हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम पीयूष पाठक, तो आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सुपरस्टिशियस के पीछे क्या साइंटिफिक और नेचुरल या फिर किसी भी टाइप के लॉजिक क्या क्या होते हैं। सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वास, जो हम लोग अंधविश्वास पे बिलीव करते हैं उनके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं। दोस्तों, तो सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वास, अंधविश्वास आखिर क्या चीज होती है? अंधविश्वास मतलब होता है ऐसी कुछ एक्टिविटीज जिन्हें करने से बैड लक या गुड लक ऐसा कुछ होता है। तो हम लोग आज ऐसी ही चीजों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और इसे लास्ट तक देखें। दोस्तों, आप अक्सर जब भी घूमने गए होंगे तो आपने कुछ ना कुछ ऐसे सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वास से जुड़ी कुछ चीज देखी होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे उनके लॉजिक के बारे में। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, फाइव सुपरस्टिशियस एंड द लॉजिक बिहाइंड देम। सबसे पहला आता है क्रैश कैट क्रॉसिंग योर पाथ, मतलब कि अगर काली बिल्ली या फिर कैसी बिल्ली आपका रास्ता काट जाती है तो आप उसे अशुभ यानी कि अनलकी मानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है और क्या इसके पीछे का लॉजिक है, हम इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए इसके पीछे का हम लोग लॉजिक जानते हैं। ये असल में बहुत पुरानी बात है, जब गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, जब होती थी बैलगाड़ियाँ फिर ऐसा ही कुछ जिसे खींचा करते थे एनिमल्स। तो जब भी बिल्ली रात में निकलती थी तो एनिमल्स डर जाते थे, क्योंकि उनकी जो लाल आंखें हैं वो रात में चमकती थी बिल्ली की। तो इस वजह से जो भी एनिमल होता था वो बहुत ज़्यादा डर जाता था और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा करता था। तो लोगों ने एक तरीका निकाला, जैसे ही कहीं पे बिल्ली दिखती तो वहीं पे उन्हें रुक जाने के आदेश मिलने लगे या फिर वहीं पे वो रुक जाते। और आज लोगों ने इसे डोमेस्टिक बिल्ली से रिप्लेस करके इसे एक अंधविश्वास बना दिया है। दूसरा आता है हैंगिंग लेमन एंड सेवन ग्रीन चिली इन शॉप एंड बिजनेस प्लेसेस, यानी कि नींबू मिर्ची की बात कर रहा हूँ मैं, जो आप लोग किसी बिजनेस प्लेस या फिर बाहर देख सकते हैं। असल में अलक्ष्मी नाम की एक देवी हैं जिनका मानना है कि वो अगर अपने बिजनेस में प्रवेश कर जाती हैं तो बहुत अशुभ माना जाता है। तो इन देवी को खट्टी चीज़ें और मिर्ची वाली चीज़ें बहुत पसंद होती है, तो लोग इस वजह से नींबू मिर्ची लटकाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई पुरानी वाली बातें यानी कि रिलीजियस थॉट्स इसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। दोस्तों, असल में जिस कॉटन थ्रेड से इसे लटकाया जाता है यानी कि नींबू मिर्ची को लटकाया जाता है, वो नींबू और मिर्ची की एक जो एसेंस होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी स्मेल से कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो उधर से दूर रहते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा लॉजिक है जिसकी वजह से ज़्यादातर जगह नींबू मिर्ची का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि क्यों किया जाता है। ज़्यादातर लोग एक रिलीजियस पर्पज़ की वजह से उसे फॉलो करते हैं। तीसरी चीज़ आती है डू नॉट स्लीप विद योर हेड फेसिंग द नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ उत्तर डायरेक्शन में आपको अपना सर करके नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे भी काफ़ी कमाल का लॉजिक है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। तो असल में क्या होता है कि आप जब नॉर्थ का करके सोते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि हमारी बॉडी में भी होती है और एक अर्थ में भी होती है। तो अगर हम लोग नॉर्थ में अपना सर करके सोते हैं तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अलाइन कर जाता है, जिससे कि बीपी की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। इसीलिए मना करते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में कभी भी आपको नहीं सर करके सोना चाहिए। और फोर्थ आता है पीपल ट्री इज़ अ गॉड, पीपल ट्री यानी कि पीपल का पेड़ एक भगवान के रूप में पूजा जाता है बहुत सारी जगह पे। तो ऐसा क्या होता है, सिर्फ एक पीपल का ट्री ही क्यों, बाकी ट्री क्यों नहीं पूछे जाते या फिर पूजे जाते हैं? तो असल में मैं आपको बताता हूँ, ट्रीज जो होते हैं वो सनलाइट लेके ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसे हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लेकिन ये सब सनलाइट नहीं होती तो वो ये प्रोसेस नहीं कर पाते। लेकिन एक पीपल का पेड़ होता है वो रात में भी ऑक्सीजन एक्सहेल करता है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक पीपल का पेड़ रात में भी आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, जिसे प्रोसेस को हम लोग CAM बोलते हैं। इस प्रोसेस से रात में भी पीपल का पेड़ ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराता है, और पीपल का पेड़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइडर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड और यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह में भी यूज होता है, और इसीलिए इसे गॉड का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, पांचवी बात आ जाती है ईट कर्ड एंड शुगर बिफोर हाइडिंग आउट, मतलब कि बाहर जाने से पहले आपको कर्ड और शुगर खानी चाहिए। और इसके पीछे का लॉजिक ये है
कि कर्ड खाने से आपके जो पेट है उसका मेटाबॉलिज्म यानी कि उसकी जो प्रोसेस या फिर उसका जो मेन काम होता है वो बिल्कुल हेल्दी रहता है, आपका पेट एक तरह से मान लीजिए हेल्दी रहता है। और जो शुगर होती है उसमें कैलोरीज होती हैं जो कि आपको एनर्जाइज्ड रखती हैं यानी कि आपको एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं। तो इसी वजह से दही और चीनी खाकर लोग बाहर निकलते हैं जिससे इंडिया में शुभ कार्य बोला जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, इसे कमेंट करें और मुझे बताएं कि इस वीडियो में या फिर ऐसी वीडियोस में लाता रहूं और मुझे नए नए टिप्स दें कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करते हैं तो आप मुझे patreon.com/PeeyushBhardwaj पर जाकर के सपोर्ट कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।